हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पाव भाजी। और ये पाव भाजी की जो रेसिपी है वो बिल्कुल जैसे हमें रेस्टोरेंट्स में या स्ट्रीट पे मिलती है वैसी ही बनेगी। इसमें वही तवा पाव भाजी का जो है स्वाद आएगा जो हमें मुंबई की स्ट्रीट्स पे मिलते हैं, लेकिन इसमें मेहनत कम लगेगी। हम इसे बहुत देर मैश नहीं करेंगे। इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा कुछ चॉपिंग भी नहीं है, मोस्टली सब कुछ बॉइल्ड रहेगा, तो ये बहुत ही जल्दी बन जाएगी। और फिर भी इसमें वही स्वाद आएगा और ये वैसी ही लाल और बटरी बनेगी। तो चलिए देखते हैं ये पाव भाजी की रेसिपी। ये सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए हमें पाव भाजी बनाने के लिए। ये हमारे भाजी के लिए है, एक पेस्ट भी बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कुकर के अंदर हम 1 टेबल स्पून जो है वो तेल डाल देंगे और फिर उसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून जीरा और 4 से 5 मीडियम साइज़ में कटे हुए आलू भी डाल देंगे। इसमें एक छोटी गोभी डालेंगे इस तरीके से, एक मीडियम साइज़ का गाजर जो हमने छील लिया है और उसे मीडियम साइज़ में काट लिया है, और एक छोटा जो है बीट भी हम उसके 4 टुकड़े करके उसे भी बॉईल करने डाल देंगे। उसमें नमक डाल देंगे थोड़ा स्वाद अनुसार। बीट डालने से जो है इसमें अच्छा रेड कलर आएगा। और बॉईल करने के लिए 1 गिलास जो है पानी डाल देंगे। इसमें हम 2 सीटी बजाएंगे और करीब 5 मिनट स्लो पे होने देंगे बॉईल होने के लिए। अभी हम एक रेड पेस्ट बनाएंगे जिसके लिए हम 8 से 10 जो सूखी वाली कश्मीरी मिर्ची होती है उसको बॉईल कर लेंगे। उबल जाने के बाद हम इसे जो है छान लेंगे और इसका जो पानी है वो साइड पे रख देंगे, उसे फेंकना नहीं है। अभी हम हमारी कश्मीरी मिर्च और 8 से 10 जो है लहसुन वो पीस लेंगे अच्छे से मिक्सचर में और उसका एक पेस्ट बना। ये पेस्ट को हम थोड़ा पतला करेंगे तो इसमें जो हमारा लाल मिर्च का बचा हुआ पानी जो हमने ड्रेन किया था वही डाल देंगे और ये हमारा जो पेस्ट है वो अभी रेडी है। और दूसरी तरफ जो है हमारी सब्जी जो है सारी बॉईल हो गई है, तो हम इसे अच्छे से मैश कर लेंगे सारी सब्जियों को। एक कढ़ाई के अंदर हम 2 टेबल स्पून बटर डाल देंगे और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा तो हम उसके अंदर जो है 8 से 10 बारीक कटा हुआ लहसुन और 4 से 5 जो है हरी मिर्ची डाल के थोड़ा इसे भून लेंगे। क्योंकि उसमें आलू और दूसरी सब्जियां डलेगी तो इसीलिए हम लहसुन और मिर्ची डाल रहे हैं, ताकि जो उसका तीखापन है वो सब्जियों की वजह से कम ना हो। इसके अंदर अभी हम 3 बारीक कटे हुए जो कांदे हैं वो डाल देंगे और थोड़ा सॉटे कर लेंगे। हमें ज़्यादा पकाना नहीं है कोई भी भाजी को, इसके अंदर हल्का हल्का बस सॉटे ही करना है। एक बार कांदा जो थोड़ा सॉटे हो जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे 2 बारीक कटी हुई शिमला मिर्च जिसको 2 मिनट सॉटे कर लेंगे, और फिर 50 ग्राम उबाला हुआ मटर डाल देंगे इसके अंदर। अभी हम इसमें डालेंगे हमारा लाल मिर्ची का और लहसुन का पेस्ट जो हमने पीसा था। इससे जो है इसमें अच्छा कलर आएगा और तीखापन आएगा भाजी के अंदर। इसे हम 2-3 मिनट पकाएंगे ताकि मिर्ची कच्ची ना लगे। और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 3 पीसे हुए टमाटर और इसे अच्छे से भून लेंगे। टमाटर को हम कुछ देर भूनने देंगे और जैसे ही टमाटर भून जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद अनुसार। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबल स्पून पाव भाजी मसाला। इसे 2-4 मिनट हम पकने देंगे और फिर जो हमारी उबाली हुई सब सब्जियां हैं वो डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम करीब 5 मिनट पकने देंगे। ये भाजी डालने के बाद बहुत ही अच्छा कलर आएगा बिकॉज हमने इसके अंदर पीसी हुई लाल मिर्च डाली है और बीट डाला है, तो कलर जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसके ऊपर 1 टेबल स्पून बटर भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। बिना बटर के भाजी अधूरी लगती है। हम यूजुअली स्ट्रीट्स पे पाव भाजी खाते हैं तो जो उनके पाव होते हैं वो बहुत ही अच्छे रेड सॉफ्ट होते हैं और थोड़े मसाले वाले होते हैं, तो वो पाव जैसे करना है घर पे वो हम आपको बताएंगे। एक पैन के ऊपर जो है हम 1 टीस्पून बटर डाल देंगे, उसके अंदर फ्रेश धनिया काट के डालेंगे और जो हमने पाव भाजी की भाजी बनाई है वो 1/2 चम्मच डाल देंगे और उसे मिक्स कर लेंगे। और जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो पाव है वो हम इस पर डाल देंगे और हमारा बटर पाव जो है वो इसमें एकदम स्ट्रीट स्टाइल में जो है वो रेडी हो जाएगा बनके। गर्मा गर्म हम हमारी पाव भाजी सर्व कर लेंगे, बटर डाल देंगे और उसे फ्रेश धनिया से गार्निश कर लेंगे। और ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल मुंबई की पाव भाजी जो है वो रेडी है एकदम खाने के लिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट करें।